लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर सरकार के द्वारा कारोबारियों की सहूलियत के लिए उद्योग धंधे शुरू कर दिए गए, लेकिन फिर भी कारोबारियों को सरकार की इस मदद का कोई फायदा नहीं हुआ। फैक्ट्रियां तो शुरू हुई, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में न तो मजदूर मिले और न ही खरीद करने के लिए ग्राहक मिला, तो सिर्फ बिजली का बिल और बढ़ा हुआ GST। जी हाँ, आज हम आपको गुजरात के सूरत और यूपी में नोएडा के कारोबारियों की स्थिति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले गुजरात में सूरत के पावरलूम के बारे में बात करें तो शहर के तकरीबन 2500 पावरलूम में काम ठप हो गया है। कपड़े पर लगाए गए GST और लॉकडाउन के दौरान काम न होने पर दिए गए बिजली के लंबे चौड़े बिल को देख नाराज कारोबारियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि लगाया गया टैक्स नहीं हटाया गया तो 15 जून से पावरलूम यूनिट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में कोई कमाई तो हुई नहीं, जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई है। अब वो कहां से टैक्स भरेंगे और कहां से बिजली का बिल भरेंगे। सूरत में करीब 2500 लूम हैं, जिनसे इतने ही परिवार भी जुड़े हैं, यानी कि शहर की 20,000 की आबादी की रोजी रोटी इन लूम से ही चलती है। सरकार ने कपड़े पर 5% GST लगाया, जिसका पावर लूम उद्योग विरोध कर रहा है। शहर में करीब 70 साल से ये उद्योग चल रहे हैं। इन उद्योगों में बना लट्ठा, फलालेन, ग्रे कॉटन क्लॉथ, रजाई खोल, प्रिंटेड बेडशीट यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू सहित कई राज्यों में जाता है, लेकिन GST लगने के कारण पावरलूम उद्योग अब संकट में है। सूरत के उद्योगपतियों का कहना है कि GST के विरोध में 15 जून को उद्योगपति विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया। GST के विरोध में उज्जैन के साथ बुरहानपुर, इचल, करंजी, सूरत और अन्य शहरों में भी कपड़ा उद्योग बंद रहे हैं। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो लॉकडाउन ने जीवन की रफ्तार को थाम दिया है। लोग अच्छे बुरे दोनों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उद्योग व्यापार पर पड़ा है। कारोबारियों को काफी उम्मीद थी कि सरकार जब लॉकडाउन में कारोबार शुरू करने की अनुमति देगी तो जीवन वापस पटरियों पर दिखेगा, लेकिन जब कारोबार खोलने की अनुमति दी गई तो उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। सूत्रों के अनुसार औद्योगिक संगठन ने सिर्फ अप्रैल में ही 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी दी थी और उद्योग बंद होने से 10 लाख से ज्यादा श्रमिकों के बेरोजगार होने की बात भी कही थी। वहीं नोएडा इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह ने भी बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था को उद्यमी व्यापारी ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सरकार का सहारा नहीं मिलेगा तो ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। उद्योग चलाने के लिए सरकार ने जो शर्तें लागू की थी उसके आधार पर 50% उद्यमी इकाइयों को बंद रखा गया। उधर श्रमिकों के पलायन के कारण पर्याप्त संख्या में कामगार न मिल पाने से और फिर इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद भी बिजली के बिल से परेशान उद्योगपतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज बंद देखी गई है। साफ देखा जा सकता है कि सूरत के लूम यूनिट्स और नोएडा की इंडस्ट्रीज लगभग एक ही हालात से गुजर रही हैं। देश में कई और भी जगह हैं जहां उद्योगपतियों को लॉकडाउन का नुकसान झेलना पड़ रहा है।